एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बड़ी बेसब्री से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि 11th एडमिशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होने वाला है उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो आज 3 बजे से इसका लिंक ओपन हो गया है। अब स्टूडेंट्स लगातार इस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं कि इस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरा जाए। बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप सबसे पहले गूगल या क्रोम, अगर कोई एक सपोर्ट नहीं करेगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम, इसमें दोनों में से किसी एक पर जो है आपको जाना होगा। तो आप वहाँ जाइए, लिंक जो दिया हुआ है उसको आप डालिए और आपका एडमिशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा। आइए समझते हैं विस्तार से। जैसे ही आप लिंक स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास पहले पेज के रूप में ये जो दिखाई दे रहा है ये ओपन हो जाएगा। इसमें स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र ये यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो इस पर आपको सीट नंबर डालना होगा। यहाँ पर हम सीट नंबर डालेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अगर आपका 2021 है तो ये डालिए। या इसके अलावा देखिए, अगर ये कर्सर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो है ईयर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कर्सर के नीचे वाला जो ऑप्शन है, और इसके पश्चात जो है मदर्स नेम। जब आपकी पूरी जानकारी यहाँ फिल करना हो जाए तो आप इस प्रोसीड के बटन को जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जो है ये जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर का जो है आपको आगे में काम पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये अगला फॉर्म जो ओपन होगा, इसमें आपका सीट नंबर के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद जो है इसमें तमाम चीज़ें फिल हो जाएगी। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो कैंडिडेट्स नेम, जबकि हम इसके पहले कैंडिडेट नेम कहीं पर भी नहीं लिखे थे, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर, कैटेगरी, ये तमाम चीज़ें जो कि आप इसके पहले आपके SSC के बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म पर डिटेल की शक्ल में पहले ही फिल कर चुके हैं, इस तरीके से ये ऑटो सेलेक्ट के रूप में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसमें ले ली गई है। एक ईमेल आईडी का ऑप्शन, चूँकि कई बच्चे ईमेल आईडी नहीं लिखते हैं इसलिए ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पर आपको ओपन दिखाई दे रहा है। इस ईमेल आईडी के ऑप्शन पर आपको ईमेल लिख देना है। यहाँ पर मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस के लिए कई बच्चे कंफ्यूज है। अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंग्लिश, सेमी इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, सिंधी, तेलुगु, हिंदी, इस तरीके से आपके पास पूरे ऑप्शन है। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन जो कि आपका है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सेलेक्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर डिटेल, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए आपके पास सब शहरों के आपको नाम दिखाई देंगे। इसमें जो है आपका जो शहर है नागपुर, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नागपुर पर क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात फिर आपके पास एग्ज़ामिनेशन सेंटर ताल्लुका, इसके लिए जो है फिर आपके पास जो है एक ऑप्शन के नई डिटेल्स जो है ये ओपन होती है। इसमें जो भी सेंटर आप लेना चाहते हैं, जो भी परीक्षा केंद्र आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर एड्रेस जहाँ आप स्कूल के आसपास रहते थे वहाँ का लिखा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप नागपुर में समझ लीजिए कि काटोल चले गए हैं, आप अपने नानी के घर पर हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से परीक्षा दी जाए, तो आप वहाँ से भी परीक्षा दे सकते हैं। तो परीक्षा केंद्र जो है ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिशन या प्रोसीड के बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा फिल हो चुका है। एक मरतबा आप पूरी जानकारी देख लीजिए जो भरी गई है वो ठीक है या नहीं। ईमेल आईडी फिल करते समय थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अगर आप इसमें ईमेल आईडी पूरा लिखे जाने बाद अक्सर स्पेस रह जाता है तो ये कंसीडर नहीं किया जाए, ये कंसीडर नहीं करेगा, ये लिंक जो है उस ईमेल आईडी को कंसीडर नहीं करेगा। इस तरीके से देखिए आपकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इसके बाद जो है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए ये ऑप्शन आपके सामने जो है आ चुका है, कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म।
इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। इसके ऊपर ओके कर दिया जाता है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपके पास अब ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो गया है। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो, अब यहाँ पर आप ओके का बटन दबा दीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो जब आपकी पूरी डिटेल तरीके से फिल हो गई है, ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए ये आपके पास पूरी डिटेल जो कि आपके ने फिल किए थे ये पूरी अब एक पेज पर आ चुकी है। अब आप इसका प्रिंट दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटे से वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं। इसके पश्चात फिर किसी ज़रूरी विषय पर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।